हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम प्रिपरेशन कर रहे थे सी टेट, जो आपका दिसंबर 14 तारीख को एग्जाम है उसके लिए, और पेपर वन की एक सीरीज चल रही है जिसमें 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लगा रहे हैं। तो ये उसकी फोर्थ वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ कंटेंट जो कि पेपर वन या पेपर टू के जो टॉपिक हैं उनको टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में आप बने रहिएगा जिसमें 500 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज के 20 क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं वो आपका किसी ना किसी प्रीवियस जो सेट है सीटेट के उसी से लिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया कुछ कॉम्बिनेशंस है कुछ आकृतियों के, और पूछा गया कि इनमें से जो आपका कौन सा है 3D आकार वाले, थ्री डायमेंशनल जो आपका है, 3D जो आपके डायग्राम्स है, कौन सा कॉम्बिनेशन सभी 3D डायग्राम्स से रिलेटेड है। तो 3D और 2D सिंपल सबको आपको पता है, अगर दो डायमेंशन की बात होंगी तो वो होता है 2D, और अगर बात होती है 3D की उसको कहते हैं हम 3D। मतलब आपका अगर आपका क्या कह सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों में से अगर आप दो कोई भी यूज करते हैं तो वो होते हैं 2D डायग्राम्स, अगर तीनों यूज करते हैं तो वो होते हैं आपके 3D डायग्राम्स, या आप कह सकते हैं 3D ऐसे स्ट्रक्चर जिनको आप नॉर्मली अपनी जो लाइफ है, फिजिकल लाइफ है, उसमें भी आप देख सकते हैं वर्चुअल को छोड़ के। ठीक है, 2D आपका जो होता है एक तरह से वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को भी आप जान सकते हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड अगर कंपेयर करेंगे, अदरवाइज ये भी आपका क्या है, आप 2D भी क्रिएट करते हैं 2D डायमेंशन के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखते हैं आप क्यूब, क्यूबॉइड, सेमी सर्कल और कोन, तो कोन ओके है, ये दो भी ओके है, लेकिन जो सर्कल होता है ये होता है आपका 2D डायमेंशन, क्योंकि इसकी आपको मोटाई नहीं दिखती, मतलब आपको जो तीसरी डायमेंशन है वो नहीं दिखती। अगर आप सर्कल को बनाते हैं और अगर आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो इस तरह, जिसकी एक्स और वाई के अकॉर्डिंग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर आप इसको एक्स देखेंगे इसको वाई देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये एक्स में ट्रेवल हो रहा है और ऊपर इसी तरह वाई में ट्रेवल है, लेकिन तीसरी डायमेंशन जो होती है जेड, उसमें ये ट्रेवल नहीं होता या फिर उसमें क्रिएट नहीं करते हम, तो ये होती है आपकी 2D। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाता है इस केस में गलत। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे ऐसे क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल। जब सेमी सर्कल आपका क्या है कि आपका सेमी सर्कल 2D है, तो सर्कल भी आपका 2D ही होगा, तो ये भी क्या है, ये भी गलत। वैसे भी हमने जो एग्जांपल देखा वो सर्कल पे देखा था, इसको हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल हुआ। तो आप देख सकते हैं घन, घनाभ, वृत्त वाला जो है वो गलत, यहाँ भी वृत्त है इसलिए ये भी गलत। नेक्स्ट पे देखेंगे क्यूब आपका 3D, क्यूबॉइड 3D, सर्कल यहाँ पे आपका ये भी क्या है 2D है, ट्राइंगल जो आपका ये भी 2D होता है, क्योंकि ट्राइंगल में भी आप उसकी मोटाई की बात नहीं कर रहे होते, लंबाई चौड़ाई में ही वो जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं नेक्स्ट, ये है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर। जैसे कि हमने बताया आपको क्यूब और क्यूबॉइड आप घन या घनाभ 3D में जानते हैं, जैसे कि हमने देखा, तो ये दोनों तो हुआ 3D। उसके बाद गोला, गोला मतलब स्फीयर जिसको आप कह सकते हैं बोल, तो बोल और सर्कल में यही डिफरेंस होता है कि वो 2D और 3D का जो डिफरेंस है वो यहीं से आता है। गोला जो आपका होता है, स्फीयर जो होता है वो होता है 3D, लेकिन सर्कल जो होता है, वृत्त जिसे आप कहते हैं हिंदी में, वो होता है आपका 2D। तो आपका ये भी हुआ 3D, 3 डायमेंशंस, और जो सिलेंडर है वो भी, जो सिलेंडर शेप होती है वो भी आपका क्या बनता है, वो भी बनता है 3D शेप। तो 3D शेप जो है ये भी आपका क्या है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा फोर्थ, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट। तो इसी के साथ जाएंगे हम सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का जो अंक है वो 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ठीक है, कि इसमें कंडीशंस है, एक्चुअली हमें क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा, और लास्ट के हमेशा रखेगा जब भी ये क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आपको देखने को इस तरह मिलते हैं तो हाफ पोर्शन के बाद ज्यादा आपको आंसर ज्यादा निकल के आते हैं। देखिए कैसे, कि अगर हम तीसरे आपका अंक 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 7वें स्थान के अंक का 2/3 है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके अभी तक बताया, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। एक तो पॉइंट हमें ऐसा मिला जिसको आप डायरेक्टली किसी पे डिपेंडेंट ना करके सीधा सीधा निकाल सकते, एक पॉइंट यहां से मिला। दूसरा है आपके पास, आगे पढ़ते हैं, और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो दूसरा आपको ऐसा पॉइंट मिला जो बिना डिपेंडेंसी, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, पूरी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बस इन 4 में से सही और गलत निकालनी है। ठीक है,
यदि इकाई अंक का जो इकाई स्थान का अंक है सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या हो तो संख्या क्या होगी, तो ये आया तीन। आपके पास इस क्वेश्चन में तीन ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन तीनों से ही आपको डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें लिखा है इकाई का स्थान, देखते हैं इकाई के स्थान के अकॉर्डिंग इसने जो दिया हुआ है, ये कहा है कि यदि इकाई स्थान जो इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या का विषम, विषम कौन सी होती है जो दो से नहीं कटती, एक अंक के नंबर कौन कौन से जो विषम है और वो भी सबसे बड़ा, तो वो हो जाता है नाइन। तो अगर हमारा कोई भी नंबर है कितने स्थान का, पांच, एक दो तीन चार पांच, ये आपका क्या है इकाई, ये आपका इकाई का अंक, ठीक है। इसमें क्या कहा, सबसे एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या एक अंक की विषम संख्या, तो ये क्या होगी नाइन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आपके पास क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, खत्म, बचे दो ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं आगे, आपको यहीं से ऐसे ही एग्जाम में भी इसी तरह से सोल्व करना है कि आपको पूरा कोई भी वैल्यू कभी नहीं निकालनी होती, जस्ट आपको अपना आंसर मैच करना है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में से देख लेते हैं क्या बेस्ट रहेगा। तो दसवें स्थान पर, दसवें स्थान का अंक या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, प्राइम नंबर जो है सबसे छोटा वो है दो, दो का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है चार, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास क्या है, यहां पे क्या है वन और यहां पे क्या है फोर, तो ये भी क्या हुआ कट। अब आपके पास आंसर आ गया है कि आपके पास आंसर तो ये है, लेकिन अब इसको जस्टिफाई भी तो करना कि बाई चांस हमने कोई सी एक गलती की हो और उसकी वजह से हमारा नंबर ना चला जाए। तो अब तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो देख लेते हैं, हजारवें स्थान का अंक एक अंक वाली, एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है। वापस से क्या कहा, हजारवें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। आप देखिए आपके पास कौन सा बचेगा, हजारवें स्थान का, तो इकाई दाई सैकड़ा और हजार, हजारवा स्थान है ये, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये आपके पास हजारवा, ठीक है, हजारवा स्थान। इस पे क्या कहा उसने, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर सबसे बड़ा क्या है एक अंक का, वो है सात, सेवन, क्योंकि एट क्या होगा आपका, आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं है, नाइन क्या है वो भी आपका क्या है प्राइम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा आपका एट और नाइन दोनों क्या होगा प्राइम नंबर नहीं है, और दस से तो वो नंबर चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। तो आपके पास अल्टीमेटली अगर आप मैच करेंगे तो नाइन भी आपने फाइंड किया, फोर भी, और सात जो आपका हजारवें स्थान पर, ये है आपका सेवन, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से हमने देखा और आंसर मैच करा, इसी तरह से हम इस सीरीज को पूरा कर रहे हैं कि आपको इजीली, क्योंकि पेपर वन ऐसे काफी लोग होते हैं जो मतलब आप कह सकते हैं जो मैथ साइड के नहीं होते, मैथ साइंस के साइड के नहीं होते, उसकी वजह से उन लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इस सीरीज को पेपर वन के लिए लेके आने का रीजन भी यही है, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो सके जो मैथ साइड से नहीं है, और थोड़ा सा इजी वे तरीके में क्वेश्चन को कैसे करें, कैसे कर सकते हैं और किस तरह के पेपर आता है उसको देख सके। बाकी फास्ट सीरीज जो रहेगी वो हम एग्जाम के पास ही लेके आएंगे, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर तीन, एक ट्रेन 30 मई को 2020 को पटना से, जो कि आपका 23:40 पे रवाना होती है, और 1 जून आपका 2020 को 5:15 मतलब सुबह, ये आपका क्या है कि रात का टाइम है, 24 घंटे वाली जो घड़ी आपकी है उसके अकॉर्डिंग है, 5 कब होगा सुबह का टाइम मुंबई पहुंचते हैं, ट्रेन में लगा जो समय है टोटल यात्रा में वो आपको फाइंड करना है। सिंपल है, तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन तो आपको देखना है, यहां से जो भी आपका मंथ होता है, मंथ को सबसे पहले आपको मार्क करना है, और उसके बाद ये भी देखना है वो मंथ के अकॉर्डिंग मार्क किया है काउंट होगा भी या नहीं। क्यों कहा मैंने, सबसे पहले देखना होता है आपको मंथ और जो नेक्स्ट डेट है, जैसे मई है 30 मई है और यहाँ पे क्या है 1 जून है। क्यों रीजन है, क्योंकि जब आप देखेंगे मंथ तो मंथ 30 का है, 28 का है, 29 का है या 31 का है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में जो समय है, जो सारा प्ले है वो 30 के बाद 31 आएगा, या 30 के बाद 1 तारीख से स्टार्ट होगा, या फिर 28 तारीख गिवन है, फरवरी का मंथ गिवन है, और मार्च में पूछ लिया तो आप 30, 31 या 29 का थोड़ा काउंट करेंगे, और साथ ही साथ आपको जो देखनी है वो ईयर भी है, बट अभी जो मंथ है वो मई का है। अगर ये जो मंथ दिया होता फरवरी का और क्वेश्चन होता 2020 का,
तो उसके अकॉर्डिंग जो दिन हो जाते वो हो जाते 29, 28 नहीं। तो ऐसे केस में छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको नंबर दिलाते हैं या नंबर लेके चले जाते हैं। तो हमने देखा 30 मई, तो 30 मई है, ठीक है, 30 मई, उसके बाद क्या आएगा 31 मई, और उसके बाद आएगा 1st, ठीक है, जून। ये आपकी इस तरह से डेट चलेंगी वन बाय वन। अब यहां पे जो 30 मई का टाइम था वो था आपके पास 23:40, जो आपका टाइम है 1 जून को पहुंचने का वो है आपके पास 5:15, ठीक है। अब सिंपल करेंगे क्वेश्चन को, यहां से हमें सिर्फ कितनी 20 मिनट में, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है 20 मिनट में ही जस्ट आपका क्या हुआ, दिन बदलेगा। तो आपके पास 20 मिनट यहां से मिली, मतलब वो ट्रेन 31 में पहुंचने के लिए, 31 तारीख में पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट ही तो चली होगी। अब 31 मई से 1 जून तक आने में कितना टाइम लगा होगा उसको, 24 घंटे, प्लस 24 आवर्स, प्लस अब ये 1 जून को क्या हुआ 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे, हमने तो 12 बजे तक का काउंट किया क्योंकि यहां से 20 मिनट का मतलब है रात के 12 से रात के 12 24 घंटे। उसके बाद क्या नेक्स्ट 1 जून को रात के 12 के बाद सुबह तक चली, तो सुबह तक चलने में नॉर्मल सी कितनी बात हुई कि एक जो आपका 5 कितना है घंटे है और आपके प्लस 15 मिनट है, ठीक है, ये आपके पास टोटल टाइम आया। इसको आप जोड़ लीजिए, आपके पास क्या है टोटल, आपके पास अगर आप सिंपली मिनट मिनट को भी जोड़ लेंगे तो आपको आंसर यहां से देखने में आसान पड़ेगा। तो 20 और प्लस 15 आपकी कितनी हो जाती है 35 मिनट हुई, ठीक है, प्लस कुछ आवर्स है मतलब घंटे हैं। यहां पे अगर मैं इस वैल्यू को जोड़ के भी ना देखूं, वैसे तो 24 और 5 29 आपका डायरेक्टली पता चल रहा है, लेकिन अगर आप सिंपली देखते हैं तो आपके पास 35 मिनट अगर आपने कुछ भी ना करके सिर्फ और सिर्फ यहां से इस टाइम का डिफरेंस और इसके साथ भी निकाला 15 मिनट और ये 20 मिनट भी जोड़ी, तो 35 मिनट निकल के आती है। और 35 मिनट का क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में डायरेक्टली बता रहा है खुद से कि मैं आंसर हूं, और आपको डायरेक्टली पता चल रहा है 29 घंटे 35 मिनट। खाली मिनट को सोल्व करें, खाली घंटे को सोल्व करें, किसी तरह भी सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में जो नंबर है वो नंबर है इस 31 मई का, क्या आपने इसको काउंट किया या नहीं किया, और यहीं पे हो जाता है गलत। वैसे भी अगर आप ऑप्शन से भी देखेंगे तो अगर यहाँ पे सिर्फ 31 को आप मिस भी कर जाते तो उस केस में 1 जून में आपके लेस देन 24 आवर्स बनते, और यहाँ पे लेस देन 24 आवर्स का मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिल जाता है तो आप फंस जाएंगे। तो हमेशा डेट मंथ ईयर इसको आपको फिर भी ध्यान देके रखना है कि लीप ईयर तो नहीं है या किस तरह से काउंट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 16 लीटर धारिता मतलब कैपेसिटी वाला एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है, बाल्टी को इस पानी को छोटे छोटे बर्तन में भरा जाना है, बाल्टी में पूरा बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भर के अगर के हमने छोटे छोटे बर्तनों में डाला है तो मग की धारिता क्या होगी। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 16 लीटर की एक धारिता की बाल्टी है, मतलब 16 लीटर एक बाल्टी की कैपेसिटी है, उसको एक मग से एक स्पेसिफिक एक ही मग से क्या किया बार बार निकाल के खाली किया, मतलब 50 बार में वो बाल्टी खाली हो गई। कितना लीटर है 16 लीटर है, 50 बार में एक मग से, तो आपके पास कितना है 16 लीटर है, ठीक है, ये लो 1000 मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ML में वैल्यू बननी है, तो 16 × 1000 कितनी बार के मैंने निकाला, ये निकाला 50 बार में, 0 से 0 गई, 5 से आपका ये आया 2 और 1 0, यहां आपके पास बना 16 × 20, ठीक है, 16 × 32 और 1 0 ये आया आपके पास वैल्यू ML में। तो आप देख लीजिए आपके पास जो ऑप्शन 4 है वो आपका हुआ आंसर। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, जो आपको वैल्यू दी है कितनी बार में खाली हुआ डिवाइड करो और आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयसा के पास केवल 5 जो रुपए हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या क्या है 25 है, संख्या क्या है 5 रुपए है 10 रुपए है, मतलब दो तरह के सिक्के हैं या फिर नोट है जो भी मानना है, उसके बाद क्या कहा टोटल जो काउंटिंग है वो है 25 और टोटल जो पैसे हैं जैसे 5 रुपए प्लस 10 रुपए मतलब 15 रुपए हुए, इस तरह से सभी को जोड़ दिया अगर तो वो बनते हैं 160, ठीक है, जो धन है वो 160 है। तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिंपल सा है कि टोटल 160 रुपए बनते हैं, टोटल जो सिक्के हैं वो 25 है, उस केस में कितने 5 के होंगे कितने 10 के होंगे कि ये वैल्यू मैच हो जाए, ठीक है, सिंपल है। अब आपके पास वैल्यू दी हुई है 5, ये 5 की लिस्ट दी हुई है और ये 10 की लिस्ट दी हुई है, जो आंसर इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के बन गया वो आपका एग्जैक्ट है,
ठीक है, बाकी काफी सारे आप इसको तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बट अगर सिंपल वे में देखेंगे तो आपको क्या पास क्या मिलता है, यहां से आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके मतलब जो भी करना है यहां से देख सकते हैं। अगर लास्ट से चले तो अगर ये मैं मान के चलू, ये मैंने बताया पांच का और दस का है, क्योंकि एक सीक्वेंस दिया है फाइव और टेन, तो पहला फाइव है दूसरा टेन है इस तरह से। तो आप अगर बीस गुना पांच कितना होता है सो, बीस पंजे सो प्लस पांच और दस, मतलब पांच दूनी सॉरी ये दस है तो पंजे पचास, आपका हुआ पचास, ये कितना बना, ये बना 150। ऑप्शन क्या हुआ, गलत। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट देखें तो 15 आपका क्या आया, 15 और गुना 5, तो 15 पंजे 75 गुण और प्लस में जाएगा 10 गुना 10, तो ये बना 100, ये आपका बना 175, तो ये भी क्या हुआ, गलत। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे आपके पास है 10 और 15, तो 10 के 5 सिक्के मतलब 50, उसके बाद प्लस 15 के 10 मतलब 150 इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ आपका 200। ठीक है, ये भी क्या है आपका, गलत है क्योंकि बनने हैं 160। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, लास्ट ऑप्शन, वैसे तो ऑप्शन से हमें मिल ही गया, 18 पंजे 90 प्लस 10 और 7 मतलब आपका आया दोनों की मल्टीप्लाई 70, ये आपके पास वैल्यू है 160। तो 160 अगर बनती है तो ये आंसर या ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, सही होगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, टोटल दोनों को जोड़ेंगे 18 और 7 होता है आपके पास सिक्के हुए 25, जो कि आपकी सेटिस्फाई करता है ये वाली कंडीशन। दोनों की कॉम्बिनेशन से अगर मल्टीप्लाई और जोड़कर देखेंगे तो वो बनता है 160, जो कि कंडीशन मैच करता है ये वाली। आपको कोई एक्स नहीं मानना, कोई वाई नहीं मानना, कोई जेड नहीं मानना, जस्ट सीधा सीधा आपके पास चार ऑप्शन है, पटदनी से आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए और आगे बढ़िए। यही क्वेश्चन आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे पेपर्स में, पर आपको टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि काफी टाइम हम लेंथी कोर्स को कवर करने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले ट्रिक तरीका इस तरह निकालते हैं, जबकि आंसर आपके पास होता है। नेक्स्ट क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। ठीक है, आपके पास संख्या दी हुई है, इसको आरोही मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, अवरोही होता है डिसेंडिंग, आरोही होता है असेंडिंग। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू, सबसे पहली छोटी वैल्यू, पॉइंट के बाद वैल्यू, उससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहली छोटी वैल्यू ही होगी, छोटी को एक मान लिया, सबसे छोटी को, इससे बड़ी में सब में क्या है, 7 7 7 7। ठीक है, पॉइंट के बाद देखेंगे तो पॉइंट के बाद है 07 70 707 और पॉइंट के बाद है कितना 20, ये दूसरा नंबर का हुआ, इसके बाद ये हुआ तीसरे नंबर का, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा, मतलब इन दोनों में छोटा होगा ये और इससे भी सबसे बड़ा होगा ये, क्योंकि अगर इन दोनों में देखेंगे तो 7.7 मैच है, लेकिन 07 पॉइंट के बाद जो 07 भी आगे मिला हुआ है वो बना देता है इसको सबसे बड़ा। सीक्वेंस मिला हमें, अब सीक्वेंस में लिखते हैं, तो सबसे पहले 0.77, उसके बाद आएगा 7007, उसके बाद आपको मिला तीसरे नंबर पे ये आया आपका 7.07। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है यहां से 7.70 और जो लास्ट है वो है आपके पास 7.707। यहां से आपके पास क्या मिला, तीनों वैल्यूज मिल गई। तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसने पूछा है और यही आंसर ढूंढेंगे, तो आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, यही आपका क्या है, सीधा सीधा आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं। वैसे भी लास्ट में देखना है तो सबसे छोटी वैल्यू इससे बड़ी हुई, इन दोनों में आप मैच करके देखेंगे तो यही छोटी होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट है, इसके बाद क्या है 007, इसके से पहले मतलब एक जो लेफ्ट साइड में अगर वैल्यू है तो ये क्या हुई, छोटी हुई, ये बड़ी हुई, इसके बाद 7.7 है तो नॉर्मल सी बात है बड़ी हुई, इसके बाद क्या है राइट साइड में एक और वैल्यू है तो ये आपकी क्या हुई, बड़ी हुई, तो ये आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर आया, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पांच अंकों की संख्या में ढाई के स्थान का अंक 8 है। ये क्वेश्चन एक तरह से सेम है जैसा कि क्वेश्चन हमने किया है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर जो है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ इसको लिखेंगे होमवर्क और इसका जो है आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट आपको करना है।
हमें पता चले कि आपको कितना क्लियर है या आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आरोही क्रम में अंशों के समूह का चयन कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में अंशों का, ठीक है, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्रम हमें कौन सा बनाना है, आरोही बढ़ता हुआ क्रम। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, सभी में वैल्यू क्या है, 1/4, 1/3, 1/2, यही है अल्टीमेटली। अगर आप समझे, एक आपके पास पूरा कोई हिस्सा है, या तो ये एक पूरा है, इसको अगर मैंने दो किया तो ये दो हिस्से हो गए, इसको क्या बोलेंगे आप, 1/2। इसी तरह ये एक पूरा हिस्सा है जिसको आपने क्या किया, बराबर तीन हिस्सों में किया, 1/3। इसी तरह आपके पास एक और हिस्सा है जो कि आपने बराबर बराबर किया, ये हुआ आपका 1/4। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, कुछ ऐसे ही होगा, अदरवाइज ये पूरी वन है। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, 1/2, उससे छोटा कौन सा होगा, 1/3, क्योंकि आप इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, एक छोटा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा, इसके बाद ये क्या है, ये छोटा हिस्सा, ये है 1/4। तो आपका सबसे छोटा क्या होगा, 1/4, उससे बड़ा होगा 1/3, और उसके बाद होगा 1/2, और ये आपका आंसर मैच होगा, और यही होगा आपका आंसर। ये जो सिंबल होता है इस तरह से, जो यहां पे वैल्यू लिखी होती है, ये होती है बड़ी और ये होती है छोटी। ठीक है, ये इस तरह से चलता है। तो इसी आंसर के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 9th, और 9th क्वेश्चन पे अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन है आपका, वह संख्या जो 1 से 10, ठीक है, दोनों सम्मिलित, मतलब 1 और 10 दोनों को भी लेके चलना है, काउंट करना है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी इनमें से जो आपकी 1 से लेके, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी संख्याओं से क्या है, विभाज्य होनी चाहिए, कटनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसा जो नंबर होता है वो आपको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काफी टाइम देखने को मिलेगा जो आपका सीटेट एग्जाम है, जो कि 2520 इसका आंसर है सीधा सीधा। अब बात आती है, अगर आपको इसी के सिमिलर जैसे ऑप्शंस मिल जाए और आपको याद ना हो तो कैसे करेंगे। देखिए अगर आपके पास नंबर है ऑप्शन में तो आप क्या करके देख सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर है इसको कट करके देखें। ठीक है, हम इसको नहीं लेते, बाकी नंबर को चेक करते हैं, किससे कट करके देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इन सभी से कट होना चाहिए। तो 10 जो है आपका 3 से नहीं कटेगा, बाकी से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जो 100 नंबर है, क्या ये 9 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। बाकी 604 इसको आप चेक करेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 और 4, 10, 3 से भी नहीं कटेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा वैसे, मतलब आगे आप चेक भी मत करिए, लेकिन आपका सीधा सीधा सा ये रहेगा। जब भी आपको ये नंबर या इस तरह से कोई भी नंबर मिलता है तो आप उसको चेक करिए, दिए गए जो भी संख्या है जिनसे चेक करना है उससे वो डिवाइड होता है नहीं होता। और स्पेशली आपको 2, 5, ये सबसे आपको इजी लगता है या इजी होता है चेक करना, तो सबसे पहले 2 और 5 से चेक कर लीजिए, और जब अगर इनसे कट हो जाए तो 3, 4 से कट करके देख लीजिए, क्योंकि आपको इजी रहेगा टेबल में काउंट करना, या फिर जल्दी आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। सिंपल सी ये चीज रहती है, सबसे पहले 2 और 5 से देखिए, इससे ही आधे नंबर आपके निकल जाते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका ये नंबर, ये ऑप्शन आपका डायरेक्टली 5 के केस में निकल जाता है, तो और उसके बाद 3 से बाकी नंबर निकल जा रहे हैं, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन है 4 और यही आपका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है, अगली बार भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है कि रूबीना ने 16:50 कार से अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 मतलब 21:15 पे समाप्त हुई। यात्रा को पूरा करने में लिया गया समय क्या है। देखिए दिन क्या है, सेम है, तो सिंपल सी बात है, आप बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटा दीजिए, आपका सीधा सीधा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपके पास है 50। ठीक है, अब आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के केस में आपको सीधा पता है कि यहां पे है 15, यहां पे है 50, आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं घटेगा, तो आप यहां से क्या करेंगे, उधार मांगेंगे। क्या मांगेंगे, जब आप यहां है 21 घंटे, तो 1 घंटे ही उधार मांगेंगे, 1 घंटे में ये कितनी है, मिनट है, तो आप कितनी मिनट मांगेंगे उधार, वो हुई आपकी 60 हुई, तो 60 + 15, ये हुई आपके पास अब 75 मिनट। तो आप चाहे तो आप इसको डायरेक्टली क्या है कि 75 काउंट करके चलेंगे,
ठीक है, आपके पास 75 है, 75 में से अब आप कितना घटाएंगे, 50 घटाएंगे तो आपके पास कितनी बनी, 25 मिनट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या था, ये था आपके पास, ये बचेगा 0, 20 में से 16 गए, कितने बचे, 4। ठीक है, ये आपका टोटल टाइम हुआ। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 4 घंटे 35 मिनट गलत, 3 घंटे 25 मिनट ये गलत, 4 घंटे 25 मिनट ये हुआ आपका सही, और यही हो जाएगा आपका आंसर। मेन यही है कि आप जब कहीं से भी कैरी करेंगे तो कैरी जब भी करेंगे तो 60 मिनट ही करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे सोल्व करेंगे। इसी के साथ इन्फॉर्मेशन आपको, जो भी कैंडिडेट है प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस में और वो भी TGT लेवल की और चाहते हैं केमिस्ट्री को स्पेशली अलग सेपरेट पढ़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना, चाहे KVS हो, EMRS हो, DSSS हो या इस तरह से स्टेट लेवल के एग्जाम भी, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, जो कि बैच अभी चल रहा है। इसकी कॉस्ट आप देख ही रहे हैं, कितना कम कॉस्ट में आपको ये बैच अच्छे से एक्सप्लेन, जिसमें आप टॉपिक सभी और आप प्रैक्टिस सेट के साथ भी इसको कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी क्या है, 1 ईयर है, और आप इसको इनरोल करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको TGT केमिस्ट्री 2024 का इसमें कूपन कोड मिल जाएगा, जिसमें आपको कॉस्ट पड़ेगी और ये काफी आपको बेनिफिट पड़ने जा रहे हैं। और इवन जो CET की प्रिपरेशन कर रहा है सेकंड पेपर की, ऐसे कैंडिडेट जो कि साइंस साइड से हैं, उनके लिए तो आप ये मान के चलिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो जाके आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या फिर डायरेक्टली वेब लिंक से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी 40 या 50 क्लासेस जो कि टॉपिक की है वो हो चुकी है, और मोर देन 10 जो वीडियोज है रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे अवेलेबल अभी के केस में भी है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आपको मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, और 11 भी आपको क्या है, पेपर में 2019 के आया हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो इसी में आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ आइटम्स दिए हैं, उनके प्राइस दिया हुआ है, और कुछ स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आपको टोटल मनी काउंट करनी है या कितना लगेगा, कितना बचेगा। देख लेते हैं क्या है। संजय ने आधा केजी टमाटर, 1 केजी आलू, आधा केजी गाजर, 250 ग्राम या 250 ग्राम मिर्च, 6 नींबू खरीदे, उसने बिल जो काउंटर पर 200 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है कि जनरली कितना पैसा देना है, कितना उसके पास है, कितना बचेगा, इस तरह से। तो देखिए स्टेटमेंट वाइज प्राइस लिखते हैं। आधा केजी टमाटर, तो टमाटर का 1 केजी का रेट है 40, तो हमने दिया होगा 20, क्योंकि आधा केजी है। 1 केजी आलू, आलू का प्राइस है 2 किलो का 25, तो ये बना आपका, ये आपका बनेगा 12.5। ठीक है, उसके बाद आपका बना आधा केजी गाजर, तो गाजर 1 पाव मतलब 250 ग्राम का क्या है, 20 रुपए, तो हमारा आधा किलो मतलब 500 ग्राम का कितना हुआ, 40 रुपए। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है 250 ग्राम मिर्च, मिर्च कहाँ है, ये रही हमारे पास, मिर्च का प्राइस है 100 रुपए ग्राम, मतलब 100 ग्राम है, कितना प्राइस है उसका, वो है 10 रुपए, तो 10, 20, 25 रुपए की मिर्च खरीदी होगी, जो कि आई होगी 250 ग्राम। 6 नींबू खरीदे हैं, तो जो 4 नग है, जो क्या है, 4 नग मतलब 4 पीस या फिर 4 आइटम, 4 नींबू का प्राइस कितना है, 10 रुपए है, तो 2 का कितना होगा, 5, तो आपका 4 हुए, 4 + 2 मतलब 6, इसका प्राइस कितना हुआ, ये आपका हुआ 10 रुपए, और इसका कितना हुआ, 5 रुपए, तो कितना पे करना होगा, 15 रुपए, किसके लिए, नींबू के लिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नींबू का प्राइस हो गया हमारे पास 15 रुपए, सभी को जोड़ना है, तो हमारे पास आया 0.5 इधर, यहां से आया 5, 5, 10 और 2, 12, 1 इधर 2 और 1 3, 4, 4 8, 8, 2 10 और 1 11, ये टोटल आपका बना 112 रुपए 50 पैसे। तो उसने जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं टोटल 200 रुपए, तो 200 पेमेंट क्या है, 200 का नोट उसने दिया, और उसको जो पेमेंट करना था वो करना था 112.5, तो उसके पास कितना बचता है वो देख लेते हैं। तो 0.5 कब बचेगा, जब यहाँ से आप कैरी लेंगे, तो आपके पास बना 5, इधर आपके पास बचा 9, 9 से आपके पास क्या बनेगा, 7, यहाँ भी 9 है, 9 में से एक गया, ये बना 8, और आपकी वैल्यू आएगी 87.5, तो 87.5 जो होगा आपका आंसर होगा सेकंड, और यही हो जाएगा करेक्ट, इतने रुपए दुकानदार उसको वापस देगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वैल्यू दी है, इस का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा, तो अनुमान बताना है, मतलब इसका लेके चलना है कि आप अल्टीमेटली किसके नजदीकी वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना है।
तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए 7.1, 3.85 और आपके पास है वैल्यू 9.09। ठीक है, अगर आप तीनों को देखते हैं तो तीनों के केस में अगर आप देखेंगे तो ये किसके नजदीक है, अगर राउंड फिगर करते हैं, हम तो राउंड फिगर करने में सबसे ज्यादा नजदीक क्या बनेगा, 7 बनेगा। क्योंकि अगर 7 से आगे हम जाते हैं 8 पे, मतलब सीधा सीधी वैल्यू है सभी यहाँ पे, तो सीधा अगर आप जाओगे 8 पे तो 8 से जो इसकी डिस्टेंस होती है वो 0.9 होगी, लेकिन 7 से कितना है, सिर्फ और सिर्फ 0.1 है, तो नजदीकी क्या बना, 7 बना। यहां किसके नजदीक है, ये बनेगा 4 के नजदीक, 9.09, ये किसके नजदीक है, 9 के। तो ये वैल्यू अगर हम इसी वैल्यू में रखते हैं, 7 की जगह पे रखेंगे 7, 3.85 की जगह पे रखेंगे 4 और अपॉन 9। ये वैल्यू अब आपको मैच करनी है कि ये वैल्यू आपके पास कहां है ऑप्शन में। तो देखिए पहली है नहीं, सेकंड है यस, तो अगर सेकंड मैच करती है तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी को यहां पे फिर भी डाउट है तो देख सकते हैं, ये अगर और क्लोज करेंगे तो 9.1 लिख सकते हैं, और 9.1 और 10 ये दो वैल्यू है, मतलब 9.1 कहीं 9 से और 10 के बीच में, बट किसके क्लोज है, यहां पे क्लोज होगा ना 0.1 नियरली, और ये कितना डिस्टेंस, मतलब वैल्यू में डिफरेंस है वो 0.9 का है। तो हम हमेशा किसको लेंगे, जो नजदीक में है, ये वैल्यू छोटी है तो हम इसके राउंड फिगर जब करेंगे उसके नजदीक में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किस में है, पेपर में आया हुआ है, ये आपका 2018 का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर वन में, जिसमें लिखा हुआ है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, छोटा जो वर्ग है वो 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, एक छोटा सा जो वर्ग है, ये एक छोटा जो बॉक्स है, ये क्या है, एक वर्ग है, और क्या दिया हुआ है, 4 वर्ग इकाई, इसका मतलब इसका जो दिया है एरिया दिया है, इसका एरिया कितना है, एरिया दिया है वह 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या आई आपके पास 2। यहां से आपके पास इसकी जो साइड है उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, क्योंकि उसने कहा है जो छोटा वर्ग है उसका जो क्या है आपका 4 वर्ग इकाई का है, मतलब उसका एरिया दिया हुआ है। उस केस में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले इसकी साइड, तो ये भी 2 होगी, और ये भी अगर हम देखेंगे तो ये भी 2 होगी। इसी केस में अब इसको समझिए, यहां से यहां तक 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यहां पे ये भी 2 और ये भी 2। अब आपके पास कितना है, 2, 4, 6, 8, तो यहां से और यहां तक की वैल्यू ही 8, और यहां से यहां तक की वैल्यू ही 4। ठीक है, 8 और 4 वैल्यू ही। अब आपके पास क्या निकालना है, इसका परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप ये होता है आपके पास 2 लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 एल की वैल्यू आपके पास क्या है, मतलब आपके पास एक है 8 और एक है 4, यहां से वैल्यू आपके पास बनी 2 इंटू 8 और 4 12, और वैल्यू आ गई 24। ठीक है, यही आपका क्या होगा, 24 इकाई जो है वो होगा आपका आंसर, और इसी के साथ आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का एक नंबर। तो ध्यान रखिएगा, इतना सिंपल सा जो है आपको क्वेश्चन मिलता है जिसको आपको फाइंड करना है कि किस वे में सॉल्व कर सकते हैं, और आपको जस्ट उसका आंसर तक पहुंचना है। एक ये क्वेश्चन है अपने आप में, ये देखिए आप सी टेट कभी कभी इस लेवल पे क्या है आपको क्वेश्चन दे देता है, और ये क्वेश्चन जो आपका है 2018 का है, जो कि आप ये मान के चलिए पांचवी का क्लास का बच्चा भी सोल्व करता है, कि आपको ये बताना है इसको सोल्व करके इसका क्या आंसर आएगा। तो 2/3 + 4/5, ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे एलसीएम लेना है जो क्या आएगा 15, यहां आएगा आपके पास 10 + 3 = 12, ये आपके पास वैल्यू आई 22/15। ठीक है, अब आपको मैच करना है इनमें से कौन सा बैठेगा। ठीक है, तो देखिए अगर कुछ ऑप्शंस को कट करना चाहे तो एक तो आपको यहां खत्म हो जाता है। अब आपको डिवाइड करके देखना है, तो आपके पास 15, तो 15 × 15 उसके ऊपर कितनी वैल्यू बची, वो बची 7, तो 7 वैल्यू यहां आएगी, और एक बार चला था ये आपके पास, ये है मैच करिए, तो मैच आई थिंक ये आपके पास हुआ थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ ये कितना सा क्वेश्चन आपको एक नंबर यहां पे देके जाता है, जिसमें कुछ ही सेकंड लगती है, और पेपर वन में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 ml और 300 ml का
माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तन के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन समझिए कि एक बाल्टी है जिसकी जो टोटल कैपेसिटी आयतन है वो है 2000 ml, ठीक है 2000 ml है। आपके पास दो बर्तन है या फिर दो आइटम ऐसे हैं जिसकी जो धारिता है या फिर कैपेसिटी है वो 200 और 300 है ml में, मतलब दो मग है जिसमें 200 ml आता है, एक में 300 ml आता है और आप उससे भर रहे हैं। तो ऐसा कैसा टर्म आएगा कि जब मैं 200 और 300 के सीक्वेंस से भर रहा हूं तो ऐसे कैसे मैं क्या वैल्यू बनेगी कि मैं 200 को कितनी बार यूज किया होगा और मैंने 300 को कितनी बार यूज किया होगा। सिंपल है। तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिंपल है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि आपको यहां से ऑप्शन ही पकड़ने हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या है, आपको ऑप्शन ही लेके चलना है और वहीं से आपको क्या मिलेगा आंसर। तो देखिए आपके पास दो बर्तन है, इसी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में कहा गया है कि ये भी जो आपका सीक्वेंस है वो 200 और 300 वाला, मतलब पहली लाइन 200 ml के बर्तन को यूज की होगी और दूसरी क्या है 300 ml के। तो देखिए इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2000 ml आना चाहिए। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्वेश्चन। तो अगर यहां पे करते हैं तो 1 × 200 + 6 × 300 आपका कितना आया, यहां से ये आया 200 और ये आया 1800, मतलब 2000 ml आया आपके पास, ठीक है। इसमें नहीं है ऑप्शन तो इसका मतलब है पहले तो आपका आ चुका इक्वल है। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 × 200 + अगला भी क्या है 4 × 300, ठीक है। यहां से आपका आया 4 × 2 = 8, 800 + आपका आया 4 × 3 = 1200, यह है आपका 2000, ये भी आपका क्या हुआ करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपके पास है 7 × 200 + 2 × 300, आपके पास आया 7 × 14, ठीक है, प्लस आपके पास आया यहां से 3 × 6, ये अगर आप जोड़ते हैं तो ये भी बना आपका 2000। इसके बाद आता है लास्ट 6 × 200 + 3 × 300, यहां से आपके पास बना 6 × 12 + 3 × 9, जो वैल्यू बनी 2100, ठीक है, आपके पास वैल्यू बनी 2100। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ये भी क्या है 2000 बनाता है, ये भी 2000 बनाता है, ये भी 2000 बनाता है, यही एक क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वही ऐसा है जो कि 2000 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाता और यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं पूछा था तो नहीं वाला ढूंढ रहा है, अगर पूछता कि कौन सा है तो इनमें से 3 गलत होते और 1 सही होता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा 11111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है 11000। तो सबसे पहले लिखें 11000, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, 11000 1100, ठीक है 1100, उसके बाद क्या है 11, ये वैल्यू हुई, इसको सभी को आपको जोड़ना है। यहां से आपके पास क्या है 1 1 1 2 1 और यही आपका आंसर है। ढूंढते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में ढूंढेंगे तो सबसे पहले है 1 2, ये नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं और आपका क्या है 1 2 1 1 1, यही हुआ मैच, ये हुआ आपका आंसर। तो 11111 का मतलब है 12111। कैसे लिखेंगे 11000 को, एज इट इज पहले 11 लिखा, 1100 लिखा और वापस में 11 लिखा और उनको क्या किया सबको जोड़ दिया, जो आंसर आया ऑप्शन से मैच किया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए हमारा यहां पे है, बी हमारा यहां पे है और क्या पूछा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो आपके पास ए और बी के बीच में कुछ छोटे छोटे यहाँ पे ऑप्शंस, मतलब आपको टिक दिखेंगे, ठीक है कुछ इस तरह से, आपको फाइंड करना है कि ए की वैल्यू कितनी है ताकि हम टोटल काउंट कर सके। तो देखो यहां से अगर चेक करते हैं, एक यहां से चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां तक के कितने बिंदु हैं, ये है 7 मार्किंग की हुई है, 7 मार्किंग है। वैल्यू में डिफरेंस कितना है 39 में से अगर 25000 घटाते हैं तो आपके पास आता है 14000 डिवाइड बाय 7, तो 7 × 14 एक जो मार्किंग है उसका मतलब है 2000।
अब आपको मार्किंग काउंट करनी है कहां से, यहां से और यहां तक, ठीक है, ये आपको काउंट करनी है। काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 मार्किंग है, 11 × 2 = 22, 22,000 है, 22,000, 22 इकाई नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 22,000, 22,000 मतलब यही आपका फोर्थ जो है वो आपका हुआ आंसर। इसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये भी आपका सीटेट का है, जैसे कि हमारी पूरी सीरीज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। तो एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, मतलब जो 80 का आधा है, मतलब 40 से तो अधिक है, यह 4 दहाई, मतलब 40 से अधिक और 60 दहाई से कम, ठीक है, 80 के आधे से अधिक है। सेम चीज वैसे आगे भी बोल दी कि 4 दहाई मतलब 40 और 6 दहाई मतलब 60 से कम है, मतलब इसके बीच में ये वैल्यू आएगी। इसके अंकों का योगफल 6 है, तो अगर इसके जो अंक है वो दोनों जोड़ दिए जाएं, डिजिटल सम किया जाए तो वो आएगा 6। इनका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में से निकालेंगे, ऊपर देख लेते हैं, आपके पास कितने हैं, 4 ऑप्शन है, चारों की वैल्यू किसके अंदर है, 40 और 60 के अंदर है, तो चारों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग क्या है, 6 होना चाहिए, तो 6 और 4 = 10, ये हुआ गलत। 5 और 1 = 6, ये पॉसिबल है, तो इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, यहां तक कंडीशन ठीक। एक आंसर हमने कह दिया कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, अब देखेंगे कौन सा होगा। यहां से इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, ठीक है, आपको पता है ये पहला जो अंक है, पहला जो अंक है किसी भी संख्या का वो होगा इकाई, अगर राइट साइड से देखेंगे, और दूसरा है दहाई का। तो 1 क्या 5 के बीच में क्या है, 2 गुने का रिलेशन है, नहीं है। दूसरे में भी अगर आप चेक करेंगे तो 0 का 6 कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 2 है जो हो उसका 2 गुना करते हैं वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इसमें यही लिखा है दहाई का अंक, मतलब जो 4 है इकाई के अंक का 2 गुना है, मतलब 2 का 2 गुना होना चाहिए, तो ये कंडीशन मैच हुई यहाँ पे और ये ही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से करेंगे चेक, जो कि बड़े ही सिंपल तरीके, और आंसर होने की गलती और भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन 4 है और 4 में से ही आंसर है, तो ऑप्शन ही टारगेट करो, हमेशा आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी कितने पैकेट में बनाई जा सकते हैं, तो पैकेट निकाल लें, तो 4 × 12 और 1/13 / 4 को के कितने हिस्से करने हैं, 1/16, ठीक है, ये हिस्से होने चाहिए, अंदर अंदर बाहर बाहर, ठीक है, सिंपल है। तो बाहर आया आपके पास 13 × 16/4, 1 भी लिखना है, लिख सकते हैं, 4 × 16, ठीक है, 13 × 4 = 52, आपके पास वैल्यू आई 52, जो कि है फर्स्ट आंसर, यही हो जाएगा आपका करेक्ट। इसी के साथ आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन, ये भी आपका सीटेट 2018 का है। हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 20 बजे समाप्त की, यात्रा पूरा करने में समय कितना लगा। तो जैसे कि आपको बताया था, जब दिन नहीं बदल रहा, कैलेंडर में कोई चेंज नहीं है, तो सीधा बड़े टाइम से छोटे टाइम को घटा दीजिए। तो आपके पास है 22 और 20 मिनट्स, 18 घंटे और 40 मिनट, बड़े में से छोटा घटाना है तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 20 में से 40 नहीं जाएगा, यहां से आप लेंगे कैरी, जो कि आएगा 60 का 60 + 20 हुआ आपका 80, 80 में से 40 घटेगा, जो कि आएगा आपका 40 वापस आया, ये अब आपका बना 1 बनेगा, 21 में से 18 सीधा सीधा आप घटाएंगे 3 आएगा, वरना आप चेक भी कर सकते हैं 11 में से 8 गए वो बना आपका 3, ठीक है, यहाँ पे 0, 3 घंटे 40 मिनट का जो है उसने टोटल ट्रेवल किया है, 3 घंटे 40 मिनट्स, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। बाकी देखिए ऑप्शन से भी आप इस तरह के ऑप्शन को तो पहले इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 80 मिनट्स कन्वर्ट ही नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शंस तो ऐसे होते ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में ही आए हुए हैं, ऑलरेडी हमारी 4 वीडियो हो चुकी, अराउंड 80 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके, अब कुछ 1-2 टॉपिक्स आएंगे, बाकी क्लासेस एग्जाम के पास ही हमारी फास्ट चलेगी, और जिसमें हम 5 क्वेश्चन पहले टारगेट करने वाले हैं,
जो कि आपके ईमान के चलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 500 क्वेश्चन की सीरीज देख ली तो आपकी पेपर वन के ऑलमोस्ट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपकी उसके में हो जाएगी। कुछ टॉपिक पेपर टू के भी आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारी एप्लीकेशन पे। आपको अगर हमारा केमिस्ट्री बैच देखना है तो उसके लिए डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और इवन हमारी एप्लीकेशन पे आपको इसका डेमो वर्जन भी, मतलब डेमो क्लास भी उस पर वीडियो मिल जाएगी, तब वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं काफी टाइम से हम आप लोगों के साथ बने हुए हैं, फिर भी आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन क्वेरी कोई फीडबैक है तो आप हमसे बता सकते हैं अपने तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।